नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मध्यकालीन कवि संत कबीरदास जी के दोहे, जिसका संकलन कक्षा दसवीं के लोकवाणी हिंदी की जिन ढूंढा कविता में किया है। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है और उनकी मृत्यु कहा जाता है लगभग 1518 में हुई है। उत्तर प्रदेश के मगहर गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। मगहर गांव के बारे में बहुत सारी कीवदंतियां सुनते हैं। उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि मगहर गांव में जिनकी मृत्यु हो जाती है वे सीधे नरक में चले जाते हैं, और इसी बात का खंडन करते हुए संत कबीरदास जी ने अपने जीवन के आखिरी दिन यहाँ बिताए थे। संत कबीरदास जी का परिचय यदि हम देखते हैं तो संत कबीरदास जी का परिचय हम देखते हैं भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास जी मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। संत कबीर जी कभी पाठशाला गए नहीं, वे बिल्कुल भी शिक्षित नहीं थे, फिर भी साधु उनके संगति में रहने के कारण भिन्न भिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न वाणियों का उन पर असर हुआ, और इसी कारण वे टूटी फूटी वाणी में बोला करते थे। विभिन्न भाषाओं का उन पर असर होने के कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। फिर भी उनकी भाषा जो है वो सहज, सरल एवं सुबोध है। इनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। उन्होंने किसी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया है। संत कबीरदास जी की प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद और रमणी, और इन तीनों को जो एकत्रित करके जो ग्रंथ बनाया है जिसका नाम है बीजक, और इसी बीजक से संत कबीर जी के यह जो दोहे हैं आज हम देखने वाले हैं। संत कबीर जी के दोहे में क्या लिखा गया है, यदि हम संत कबीर जी के दोहे पढ़ते हैं तो उसमें हमें नैतिकता का पाठ दिखाई देता है और अपने जीवन में जरूर कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है। तो हम देखेंगे कि उनके दोहों में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए, कबीर जी का जो दोहा है दो ही पंक्तियों का है, जिसमें बहुत सारा गहरा अर्थ समाया हुआ है। हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे गागर में सागर भरा हुआ है। अब देखिए, यहाँ इस दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में कहा गया है, उसका उदाहरण देकर कबीरदास जी समाज के प्रति भावना व्यक्त कर रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ काफी ऊंचा होता है, हम सब जानते हैं। आगे देखते हैं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी का मतलब है राहगीर या पथिक। यहां मैं अर्थ लिखती हूं, तो देखिए पंथी मतलब राहगीर, रास्ते से गुजरने वाला, जाने वाला। जो राहगीर है उसे कभी उस पेड़ की छाया नहीं मिलती, फल लागे अति दूर, उसके जो फल होते हैं वे काफी दूरी पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार खजूर का पेड़ ऊंचा और बड़ा होने के बाद भी लोगों को उसका फायदा नहीं होता, उसी प्रकार संत कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में भी धन और विद्या प्राप्त करने के बाद लोग बड़े तो बन जाते हैं लेकिन उनमें बड़प्पन नहीं आता, क्योंकि ऐसे बड़े व्यक्ति लोगों का हित नहीं देखते। तो उसी प्रकार खजूर, वह जो आदमी है, वे जो व्यक्ति है, वो खजूर के पेड़ की तरह होते हैं, क्योंकि उनका समाज के हित में कोई लाभ नहीं होता। खजूर का पेड़ उसी प्रकार से पंथी को, रास्ते से जाने वाले आदमी को छाया मतलब विश्राम नहीं दे सकता, और उसके फल जो है वो उतनी दूरी पर होते हैं जिससे पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सदव्यवहार होना चाहिए, दूसरों के हित में, समाज के हित में काम करना चाहिए,
तो ऐसी बात यहाँ कबीर जी ने इस दोहे में कही हुई है। बागी का दोहा हम देखते हैं, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। अब देखिए यहाँ संत कबीर जी गुरु और शिष्य के बारे में कहते हुए कहते हैं कि शिष्य, शिष्य का मतलब है शिष्य। देखिए शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को अपना सब कुछ निछावर कर दे, उसके शरण में चला जाए, अपने अहम भाव को त्याग कर उसके प्रति समर्पित हो जाए, ऐसी भावना शिष्य की होनी चाहिए। यहाँ ऐसे कहते हैं गुरु और शिष्य के संबंध में वे कह रहे हैं, और जिस प्रकार शिष्य के बारे में कहा है उसी प्रकार गुरु के बारे में कहा है कि गुरु को ऐसा चाहिए, गुरु भी ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, शिष्य से कुछ भी लेने की अपेक्षा न रखे, उसे हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, ज्ञान प्रदान करे और उसके बदले में कुछ भी लेने की अपेक्षा न रखे, इस प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध होने चाहिए, ऐसा इस दोहे में यहाँ संत कबीर जी कहते हुए दिखाई देते हैं। तो तीसरा दोहा हम पढ़ते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। बहुत ही अच्छा इस दोहे में कहा गया है, कबीर जी कहते हैं कि संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की, एक अच्छे व्यक्ति की संगत यदि हो तो जो गंधी की बास, गंधी मतलब इत्र बेचने वाले। अब देखिए मैं यहाँ अर्थ लिखती हूँ, संगत का मतलब है साथ, साधु का मतलब है सज्जन व्यक्ति, गंधी का मतलब है इत्र बेचने वाले। कबीर जी कह रहे हैं कि यदि हमारा साथ सज्जन व्यक्ति के साथ है तो वह साथ जो गंधी की बास मतलब इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है, जो कुछ गंधी दे नहीं, गंधी मतलब इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाले, जो यह गंधी बेचने वाले हमें देते भी नहीं तो भी बास सुबास, तो भी उसकी सुगंध मिलती ही रहती है, ऐसा यहाँ कबीर जी बताते हैं। बास का मतलब है सुगंध। तो कबीर जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमारा साथ, हमारी संगति हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का साथ हम पर कौन सा असर करता है, तो जो गंधी की बास, गंधी मतलब इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाले के साथ जब भी हम होते हैं वह इत्र बेचने वाला हमें इत्र दे या न दे, फिर भी उसके साथ रहने के कारण उसकी सुगंध अपने आप हमें मिलती ही रहती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, भले ही सज्जन व्यक्ति जो कुछ गंधी दे नहीं, भले ही सज्जन व्यक्ति हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उसकी तो भी पास सुवास, उसी प्रकार यह जो सज्जन व्यक्ति है हमें कुछ सिखाए या न सिखाए, फिर भी हम उनकी अच्छी बातें अवश्य अपने आप सीख जाते हैं। तो ऐसे इस कविता में, ऐसा इस दोहे में संत कबीर जी कह रहे हैं कि हमेशा अपनी संगति अच्छों के साथ होनी चाहिए, वो हमें कुछ दे या न दे, फिर भी अपने आप उनकी अच्छी बातें हमें कुछ न कुछ अवश्य दे जाती है। अब यहाँ चौथा दोहा हम देखते हैं, दुर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि दुर्बल कौन सताइए, दुर्बल का मतलब है कमजोर। तो देखिए लोग समाज में व्यवहार करते हैं तब दुर्बल मतलब कमजोर व्यक्तियों को फंसाते हैं, तो उनको कभी सताना नहीं चाहिए, कबीर जी कह रहे हैं। जाकी मोटी हाय, तो देखिए उनकी जो आह होती है उसमें बहुत सारी शक्ति होती है, मतलब जब उन्हें हम फंसाते हैं, जब कोई उसे फंसाता है तो उनकी आह में काफी शक्ति होती है। तो उसका एक उदाहरण कवि दे रहे हैं, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए,
तो देखिए यहाँ कबीर जी एक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि बिना जीव की लुहार के पास धौकनी होती है जो ऊपर नीचे की जाती है और अग्नि को प्रज्वलित करती है, और ऐसी ही जो धोखनी होती है जिसमें कोई श्वास नहीं होती लेकिन ऊपर नीचे हो जाने के कारण यह उसकी सांस है ऐसा कहा गया है, और उसी के कारण लोह भस्म हवे जाए, यह जो लोह है भस्म हो जाता है लोह, तो लोह इतना कठिन होता है फिर भी इसकी धोखनी के कारण मरे हुए जानवर की जो खाल होती है वह खाल से वह धोखनी बनाई जाती है, और उसी धोखनी के कारण यह जो लोहा है उसे पिघलवाते हैं या उसे भस्म भी किया जाता है, तो उतनी ताकत उस मरे हुए जानवर की खाल की सांस में होती है। तो किसी को कमजोर मत समझिए, तो उसकी आह लगती है, उसकी आह में काफी शक्ति होती है, तो कभी दूसरों को या कमजोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए। तो बिना जीव की श्वास से उसमें जीव नहीं होता फिर भी वह लोह को भस्म कर ही देती है, इतनी ताकत उसके आह में होती है, इसीलिए कमजोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए।